जब मोनिशा ने नेहा को उस रात पार्टी में आरवी के साथ भेजा, नेहा डोंट वरी तुम बिना शादी के विधवा नहीं बनोगी, तो जब पार्टी में भेजा उस पार्टी में मैं भी था। मैंने देखा कि नेहा जिस तरीके से आरवी के पास जा रही है, मुझे लगा दाल में जरूर कुछ काला है। और मुझे ये समझ में आया कि आरवी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अब इन दोनों के ऊपर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। तब से ना फिर मैं इन दोनों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और फिर मुझे पता चलता है कि इस बड़े से प्लान को अंजाम देने वाली और कोई नहीं पर मोनिशा है। पर जब मैंने देखा कि ये सुंदर सा बनाया हुआ प्लान इनके हाथ से फिसल रहा है और ये दोनों कभी भी एक्सपोज हो सकती है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लान का हिस्सा बना जाए। बल्कि मैंने ये पूरा का पूरा प्लान अपनी मुट्ठी में ले लिया। मैं तुम्हें जब कहो, जैसे कहो, जहां कहो, जो भी करने को कहो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसमें कोई सवाल जवाब ये कुछ भी नहीं चाहिए। और बन गया इस प्लान का रचयिता। तब से जो कुछ भी होता है मेरे इशारे पर होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो अभी आगे भी जो करना है वो मैं बताता हूँ, ताकि हमारा जो बना बनाया जो प्लान है जिसको तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो कामयाब हो सके। लेसन, काफी हद तक हम कामयाब हुए भी। नेत्रा, आई मीन नेहा सक्सेसफुल थी। आरवी और भूवी के डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लिए थे, तलाक के पेपर्स ले आई है। उस घर में सब मुझे नेत्रा के नाम से जानते हैं। आरवी और उसके घर वाले, उनको लगता है मेरा नाम नेत्रा है। और साहिल, ये सब जो मैंने किया ना, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा था, काफी बड़ा अमाउंट। इसके लिए मुझे 20 लाख मिल रहे थे। हमने भी कुछ ऑफर दी थी, वो डबल वाली, वो भी बता दो। और जस्सी ने मुझे इसका डबल अमाउंट दिया, 40 मेरे, 20 इसके, टोटल 60। साहिल, आई होप कि अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है कि तुम्हारी नेहा को आरवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे हमने कहा था, शादी सब नाटक है, नकली है। जब नेहा आरवी के साथ मंडप में बैठी होगी और उस पूरे परिवार को लग रहा होगा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, आरवी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और वो पूर्वी जिसे सब आरवी का रक्षा कवच मानते हैं, उसका रक्षक मानते हैं, जब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी ना, तब मैं सामने आऊंगी। तब मैं उनसे कहूंगी कि मैंने नेहा से बात करी, मैंने उसे मना, और मेरे मनाने पे वो मान भी गई, अब वो आरवी से शादी नहीं कर रही। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।